अभिनेता ऋतिक रोशन की फिल्मों का दर्शक काफी बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऋतिक रोशन बॉलीवुड के ऐसे अभिनेता हैं जिनकी फिल्मों को लेकर हमेशा से ही चर्चाओं का विषय बना ही रहता है। ऋतिक रोशन की पिछली रिलीज फिल्म थी वॉर, और वॉर के सुपर डुपर हिट रिएक्शन आने के बाद ऋतिक रोशन चाहते हैं कि मैं एक सुपर हीरो वाली फिल्म लेकर आऊं, यानी क्रिश 4। काफी समय से क्रिश 4 को लेकर चर्चा है कि इसमें ऋतिक रोशन काफी जल्दी धमाका करने वाले हैं और इसके लिए तैयारियां भी कर रहे हैं। ऋतिक रोशन ने कई बार इसको लेकर इशारा भी दिया है। फिल्म की स्क्रिप्ट में काम हो रहा है और कभी भी इसका ऐलान हो सकता है। आए दिन इसको लेकर किसी न किसी तरीके की अपडेट सूत्रों से आती रहती है और फैंस खुश हो जाते हैं। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसे जानकर निश्चित ही ऋतिक रोशन के फैंस उछलने वाले हैं, या यूं कहें कि यह खबर सुनने के बाद इस फिल्म के प्रति लोगों की जिज्ञासा काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। पता चला है कि इस फिल्म में सुपरस्टार ऋतिक रोशन के एक या दो नहीं बल्कि 4 रोल होने वाले हैं और सभी काफ़ी धमाकेदार होंगे। अगर ऐसा होता है तो निश्चित ही रिकॉर्ड टूटने वाले हैं और ऋतिक रोशन का एक बड़ा धमाका अब क्रिश 4 के जरिए होने वाला है। अभी हाल ही में आई पिंक बिला की एक खबर के मुताबिक ये पता चला है कि ऋतिक रोशन इस बार फिर रोहित के बेटे के रूप में नजर आने वाले हैं, लेकिन कहानी में काफी ज्यादा बदलाव भी कर दिए गए हैं। हालांकि आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इसको लेकर किसी तरीके का आधिकारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन फिल्म काफी धमाकेदार होने वाली है वो इस बात में कोई शक नहीं है। वही सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन का काम शुरू हो चुका है और काफी जल्द किसी आधिकारिक ऐलान की उम्मीद फैंस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि पिछले कई सालों से लगातार इस बात की भी चर्चाएं की जा रही हैं कि इस बार शायद प्रियंका चोपड़ा क्रिस फ्रेंचाइजी का हिस्सा नहीं होगी और उनकी जगह बॉलीवुड की कोई और एक्ट्रेस इस बार ऋतिक रोशन के साथ नजर आने वाली है, लेकिन अभी तक इस बात की भी पक्की पुष्टि नहीं हो पाई है। ऋतिक रोशन के पापा राकेश रोशन इस फिल्म को सुपर डुपर हिट बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं और बीते कुछ महीने पहले जब वो बीमार चल रहे थे तभी उन्होंने ऋतिक रोशन को कह दिया था कि तुम इस फिल्म पर काम शुरू कर दो, लेकिन ऋतिक नहीं माने। ऋतिक चाहते हैं जब मैं क्रिश 4 पर काम शुरू करूं तब मेरे पापा मेरे साथ रहें। यहां पर आपको एक फैक्ट भी बताना चाहेंगे कि ऋतिक रोशन की फिल्मों का जब जब उनके पिता राकेश रोशन ने डायरेक्शन दिया है या फिर सेट पर मौजूद रहे हैं तब तब उनकी फिल्में सुपर डुपर हिट हुआ करी हैं, और ऐसे में ऋतिक रोशन किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, या यूं कहें कि अपने पापा के अलावा किसी पर भी वो भरोसा नहीं करना चाहते हैं। पर ऐसे में एक बड़ी खबर सामने आई है क्रिश 4 को लेकर कि इस बार ऋतिक रोशन के एक या नहीं बल्कि दो भी नहीं 4-4 रोल हमें देखने को मिलने वाले हैं। जाहिर सी बात है क्रिश 4 इस बार धमाका करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आपको इस खबर पर अपनी क्या राय देनी है, साथ ही आप इस फिल्म का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कॉमेंट कर अपना सुझाव जरूर दीजिए।